सो कंटिन्यू विद द कॉम्बिनेटिव फ्यू ड्रग्स. हमने 5 ड्रग्स पिछले वीडियो में लर्न किया था और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इफ एनीबॉडी वांट दे कैन. इन दिस वीडियो वी स्टडी नेक्स्ट 5 व्हिच इज रिमेनिंग. ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर को हिंदी में काली मिर्च बोलते हैं एंड ब्लैक पेपर इज अ सीड. ब्लैक पेपर का मेमोनिक्स है पाइप की तरह निग्रो लोग काले होते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स मिलेगा पेपर निग्रम पाइप और निग्रो से. फैमिली इज पेपर एसीए एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज पेपरिंग एंड यूज एज अ कॉम्बिनेटिव. इसको हम P3 करके भी याद रख सकते हैं. सेकेंड इज सिनेमोन विच इज इनर बाक ऑफ अ दालचीनी और एज अ गरम मसाला हम यूज भी करते हैं बहुत सी चीजों में. और इसका मेमोनिक्स है सिनेमा देखने जेलन गया लॉरी से. तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा सिनेमोमम जेलेनिकम. सिनेमा और जेलन से आएगा. फैमिली इज लॉरेसिए लॉरी से आएगा. केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज सिनेमिक एल्डिहाइड विच वी हैव टू लर्न. यूजेज इज कॉम्बिनेटिव. थर्ड इज न्यूटमैग. न्यूटमैग को हिंदी में जायफल बोलते हैं और ये ऐसा सीड यूज होता है. इसका मेमोनिक्स है मिरिस्टिका का फ्रेग्रेंस मस्त है. तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस. मिरिस्टिका और फ्रेग्रेंस से मिलेगा. फैमिली रहेगा मिरिस्टिकेसिए एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज मिरिस्टिसिन. और इसको आप M3 करके भी याद कर सकते हैं एंड यूज एज अ कॉम्बिनेटिव. नेक्स्ट इज जिंजर. एवरीबडी नोज दिस इट्स अ अदरक. ये एक राइजोम्स है. इसका मेमोनिक्स है जिंगर बर्गर ऑफिस में जिंगर चाय के साथ मिलता है. बायोलॉजिकल सोर्स इज जिंगीबर ऑफिशिनेल. जिंगर बर्गर और ऑफिस से मिलेगा. फैमिली इज जिंजीबर एसीए. केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज जिंगीबरिन. इसको हम Z³ करके भी याद कर सकते हैं एंड यूज एज अ कॉम्बिनेटिव. एंड द लास्ट वन इज क्लो. इसको हम लौंग बोलते हैं जो गरम मसाले में रहता है. अगर एग्जामिनर पूछता है कि क्लोव का कौन सा पार्ट यूज करते हैं तो हम वर्ड्स लिखेंगे. द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स इज BUDS. इसका मेमोनिक्स है यूरोप का जीन कैरी फाइल मेयर के साथ करता है. देन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव इज यूजेनिया कैरियोफाइलस. ये थोड़ा टफ है बट हम इसको बार बार लर्न करेंगे देन इट बिकम ईजी सो नो नीड टू वरी. फैमिली इज मिट एसीए and the chemical constituent of clove is eugenol and used as a carminative.